होटल राजमहल एपिसोड 65 नजदीकियां। विशाल, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या मेरी वजह से एक बार फिर तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई? दिव्या ने एक खिसियानी हंसी हंसते हुए विशाल से सवाल किया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है दिव्या, तुम यहां पर क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा उठकर देख लेती हूँ कि इस कमरे में क्या है। दिव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस कमरे में तो मैं खुद कभी नहीं आया, तो तुम यहां पर क्या कर रही हो दिव्या? वहीं उसी वक्त पीछे से विशाल के कान में बंसी की आवाज आई। मुझे तो पहले से ही पता था कि इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और ही है। दूसरी तरफ से मुरली ने विशाल के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इसे बोल, अपनी मुट्ठी खोल कर दिखाए। मगर दिव्या उन लोगों की बातें सुन नहीं पा रही है। विशाल ने तुरंत दिव्या के हाथ की तरफ देखा जो उसने अपने पीछे छुपाया हुआ है और कहा, दिव्या तुम्हारे हाथ में क्या है? विशाल का सवाल सुनकर दिव्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने के बूंदे आ गईं। मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है विशाल। चलो अब हम चलकर अपने डेस्क पर बैठ जाते हैं। ये कहकर दिव्या उस कमरे से बाहर जाने लगी, मगर विशाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछा, अपना हाथ दिखाओ। इतना कहकर विशाल अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिव्या के हाथ से वो लॉकेट ले लेता है। विशाल इस लॉकेट को खोल कर देखता है जिसके अंदर उसे राजवीर और एक लड़की की तस्वीर नजर आती है। उस तस्वीर को देखने के बाद भी विशाल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो हैरानी से दिव्या की तरफ देखते हुए पूछता है, तुमने ये किसी और का सामान क्यों ले लिया है? क्या तुम चोरी कर रही थी यहां? ये सुनकर दिव्या की आंखें नम हो जाती हैं और वो बिना जवाब दिए उस कमरे से बाहर निकल जाती है। ये देखकर विशाल उसके पीछे पीछे जाता है और दिव्या को रोकते हुए पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दिव्या, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। ये सुनकर दिव्या रुकी और विशाल की तरफ देखकर उसने जवाब दिया, जब तुमने खुद से ही सवाल पूछकर उसका जवाब तय कर लिया तो मैं तुम्हें और क्या जवाब दूं विशाल? विशाल ने दिव्या से आगे कहा, मैंने कोई जवाब तैयार नहीं किया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा वही कहा है। तुम उस कमरे में इस गोल्ड लॉकेट के साथ कर क्या रही थी? तुमने इसको इसकी जगह से उठाया क्यों? लेकिन दिव्या इस बात का कोई जवाब विशाल को नहीं देती। विशाल गुस्से में दिव्या से कहता है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब तुम यहाँ होटल राजमहल चोरी करने के मकसद से ही आई थी। ना जाने इससे पहले भी तुमने कई जगह पर कितनी चोरियां की होंगी। ये सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो विशाल। लेकिन दिव्या के आंसुओं से विशाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो आगे बोलता जा रहा है, अब मैं तुम्हें सही समझ रहा हूं दिव्या, तुम एक चोर हो, एक चोर, और मैं एक चोर के साथ हरगिज नहीं रह सकता। इसीलिए आज के बाद तुम मेरे साथ मल्लिका के घर पर बिल्कुल नहीं रहोगी। दिव्या ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, लेकिन विशाल एक बार तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूं। विशाल ने तभी कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी विशाल अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं कर पाया होता कि तभी विशाल और दिव्या को एक तरफ से छन छन की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक से होटल राजमहल का सारा माहौल बदल जाता है। जैसे ही विशाल उस ओर देखता है तो उसे वही जली हुई लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कुछ देर पहले तक दिव्या को भी दिखाई दे रही थी। विशाल और दिव्या दोनों उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लड़की
अब देखने में काफी गुस्से में दिखाई दे रही होती है। उसकी सफेद आंखों में अब खून उतरा नजर आने लगता है। उसके नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं और वो अपने एक हाथ के इशारे से विशाल को ऊपर उठा देती है और दूर फेंक देती है। अगले ही पल हवा में उड़ता हुआ विशाल सामने दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिरता है। विशाल दर्द से कराहने लगता है, लेकिन पलक झपकते वो आत्मा विशाल के एकदम करीब पहुंच जाती है और फिर से विशाल को गेंद की तरह उठाकर फेंकती है और विशाल ऊपर झूमर से टकराकर फिर से जमीन पर गिरता है। विशाल के साथ साथ झूमर के भी गिरकर परखच्चे उड़ जाते हैं। विशाल के शरीर के कई जगह से खून बहने लगता है। उसको काफी चोट लग जाती है। विशाल दर्द में बुरी तरह से तड़पने लगता है। तभी वो आत्मा विशाल को गर्दन से उठाकर हवा में लटका देती है। विशाल अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये आत्मा उसे बचने का कोई मौका नहीं देती है। तभी वो आत्मा अपने तीखे नाखून विशाल के सीने में घुसाने ही वाली होती है कि दिव्या जोर से चिल्लाती है, नहीं दीदी, नहीं, छोड़ दो विशाल को प्लीज। ये सुनते ही विशाल हक्का पक्का रह जाता है और वो आत्मा दिव्या की तरफ घूर कर देखने लगती है। दिव्या हाथ जोड़कर उस आत्मा से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तभी वो आत्मा विशाल को देखकर उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है और अगले ही पल वो धुएं की तरह वहां से गायब हो जाती है। दिव्या सहारा देकर विशाल को उठाने लगती है। विशाल सिर्फ दिव्या की तरफ देखता जा रहा है और दिव्या की आंखों से झर झर आंसू बहते जा रहे हैं। विशाल ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी बहन? दिव्या रोते रोते विशाल से कहती है, विशाल, हाँ, वो लड़की मेरी बहन है। ये सुनते ही विशाल ने कहा, वो लॉकेट, उसमें भी वो लड़की तुम्हारी बहन ही है ना? दिव्या सिर्फ हामी में अपना सर हिलाती है। ये सुनते ही विशाल को अपने किए पर अफसोस होने लगता है और वो कहता है, आई एम सॉरी दिव्या। दिव्या ने विशाल की बात को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं विशाल, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? कुछ देर के लिए दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते और पूरे होटल राजमहल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। फिर विशाल हिम्मत करके दिव्या से पूछता है, दिव्या, क्या तुम्हारी बहन और राजवीर एक साथ थे? इस वक्त विशाल काफी ज्यादा हैरान है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि दिव्या की एक बहन भी है जो राजवीर के इतने करीब थी। दिव्या ने विशाल के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ विशाल, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन की आत्मा थी। मल्लिका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले राजवीर मेरी बहन के साथ था। मेरी बहन उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। वो राजवीर के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन राजवीर ने मल्लिका के लिए उसे छोड़ दिया। लेकिन मेरी बहन खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह से टूट गई और एक जिंदा लाश बनकर रह गई। ऐसा लगता था मानो उसने हंसना, मुस्कुराना, जीना सब कुछ छोड़ दिया हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने राजवीर से प्यार करना नहीं छोड़ा। जिस मनहूस रात को होटल राजमहल के अंदर आग लगी थी, उस रात को वो हम लोगों से झूठ बोलकर यहाँ पर आ गई थी। हमें उसके चले जाने के बाद उसके दोस्तों से पता चला कि वो यहाँ पर आई थी। जब तक हम यहाँ आए तब तक ये होटल जलकर राख हो चुका था। हमें उसकी अस्थियां तक नहीं मिली। इतना कहते कहते दिव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते। दिव्या आगे कहती जा रही है, वो यहां आई ही क्यों थी? वो यहां क्यों रुकी थी और उसके साथ यहां हुआ क्या था? हमें कुछ भी नहीं पता चल पाया। मेरी बहन ऐसे ही हमें छोड़कर चली गई और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसी दिन से मैं हर कुछ दिनों में इस जगह आती थी और घंटों तक इस चले हुए खंडर को देखकर सोचती रहती थी कि यही वो जगह है जहां पर मेरी बहन ने अपनी आखिरी सांसें ली।
जाने उसके साथ उस रात क्या हुआ होगा। शायद उसने मदद के लिए मुझे बुलाया होगा, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। इतना कहते कहते दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। विशाल को दिव्या की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे दिव्या को इस हालत में भी देखा नहीं जा रहा था। विशाल ने दिव्या को गले से लगा लिया और दिव्या भी विशाल के गले लगकर रोती चली गई, जैसे ना जाने वो कितने समय से अपने दर्द को सीने में दबाए बैठी हुई थी। कुछ देर बाद जब दिव्या थोड़ा संभली, तब विशाल ने पूछा, लेकिन दिव्या, फिर तुम इस होटल राजमहल में उस रात कैसे पहुंची? दिव्या ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ दिनों तक मैं शहर में नहीं थी और जिस रात मैं वापस जयपुर पहुंची तो मैं सीधे पहली बार रात को इस जगह पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर होटल राजमहल अपने आलीशान रूप में खड़ा है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। इतनी जल्दी कब्रिस्तान से यहाँ होटल कैसे बन गया? यही सच जानने के लिए मैं गेस्ट बनकर यहाँ आ गई। तब मुझे तुमसे पता चला कि ये एक भूतिया होटल है जहाँ पर काफी सारी आत्माएं फंसी हुई हैं और ये रात को सिर्फ चंद घंटों के लिए ही खड़ा होता है। उस दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं यहीं रहूंगी। क्या पता मुझे एक दिन यहाँ पर मेरी बहन मिल जाए। इतना कहते कहते दिव्या ने अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके इन बातों को सुनकर विशाल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे और क्या नहीं, मगर दिव्या को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, दिव्या तुम प्लीज रोना बंद कर दो। मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। विशाल, मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर मेरी बहन के साथ उस रात हुआ क्या था। वो क्यों हम सब लोगों से झूठ बोलकर यहाँ पर आई और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत इसी मनहूस होटल में जलकर हो गई। हमें तो एक आखिरी बार उसे देखने का मौका तक भी नहीं मिला। हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताई है। बचपन से ही वो मेरी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर मेरा ख्याल रखती आई थी। जब भी कोई मुझे डांटता था तो वो तुरंत मेरी साइड लेने के लिए मेरे पास पहुंच जाती थी। मैं उसके बिना बहुत अधूरी हो गई हूँ विशाल, बहुत अधूरी। और ये कहते कहते दिव्या सीधा विशाल के गले लग गई। विशाल ने भी दिव्या को समझाते हुए कहा, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। तुम इस बारे में सोचकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसकी ये बात सुनकर दिव्या को भी थोड़ी राहत मिली और उसने चैन की सांस ली। उसके हाथों ने अपने आप विशाल को कसकर पकड़ लिया। उसका सर विशाल के सीने से लगा हुआ है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं। धीरे धीरे विशाल के हाथ भी दिव्या के कंधों से होते हुए उसकी कमर तक जा पहुंचे। उसने धीरे से उसके कमर को दबाया और दिव्या के पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। उन दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सांसें इस वक्त एक रफ्तार से चल रही हो। विशाल को दिव्या के करीब रहना अच्छा लग रहा है और दिव्या भी इस अपनेपन में विशाल का पूरा साथ देने लगी। अगले ही पल विशाल ने अचानक से अपने हाथों को दिव्या की कमर से हटाते हुए उसके गालों पर रख दिया और उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए उसकी आंखों में देखा। ऐसा लग रहा है मानो वो दोनों एक दूसरे में खो गए हों, मानो वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से हजारों बातें कह गए हों। विशाल और दिव्या दोनों की ही आंखों में एक तड़प है एक दूसरे के लिए। विशाल की निगाहें दिव्या की आंखों से होते हुए उसकी रूह तक पहुंच रही है। वो दिव्या की आंखों में देखते हुए उसके नजदीक आया, जैसे वो आंखों ही आंखों में उसके नजदीक आने की इजाजत मांग रहा हो। और आखिर में दिव्या ने उसकी ऐसी नजरों से शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त काफी नर्वस महसूस कर रही है
और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। विशाल दिव्या के और भी नजदीक आ गया। अब वो दोनों एक दूसरे की सांसों को भी महसूस कर पा रहे हैं। विशाल उसकी भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो गया है। वो अब अपने आप को और नहीं रोक पाया और उसने अपने होंठ दिव्या के होंठों पर रख दिए और उसे कस कर पकड़ लिया। विशाल का ये जुनून देखकर दिव्या के हाथ भी खुद ब खुद उसके कंधों तक पहुंच गए और वो विशाल के बालों को सहलाने लगी। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के होठों को चूमते रहे। उन दोनों की ही सांसों की आवाज काफी तेज हो गई, जैसे उनका खुद पर कोई काबू ही ना हो। उनके जिस्मों से निकलती हुई गर्मी की वजह से वो दोनों पसीने से लथपथ हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ विशाल को दिव्या के इतने नजदीक देखकर मल्लिका गुस्से से आग बबूला हो उठी। वो किसी भी कीमत पर विशाल को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती है और दिव्या के करीब तो बिल्कुल भी नहीं। गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। ऐसा लग रहा है मानो उसके अंदर से आग निकल रही हो। पूरे होटल राजमहल में तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियों और दरवाजों के खुलने और बंद होने की धाड़ धाड़ आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। लेकिन दिव्या और विशाल के ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आसपास के माहौल से अनजान एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए हो। जब मल्लिका ने देखा कि उसकी कोई भी तरकीब विशाल और दिव्या को एक दूसरे से अलग नहीं कर पा रही है, तो वो एक हवा के झोंके के साथ अपने कमरे से निकलकर होटल राजमहल के हॉल में पहुंच गए। वो सीढ़ियों पर खड़े होकर गुस्से से उन दोनों को घूरने लगी। गुस्से में उसके लंबे लंबे नाखून सीढ़ियों की रेलिंग के अंदर घुस गए और उसके घने लंबे बाल हवा में उड़ने लगे। इस वक्त वो इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी लग रही है कि उसे देखकर किसी भी मामूली इंसान की रूह तक कांप जाए। जब उसका गुस्सा अपनी सारी सीमाएं पार कर गया तो उसने एक नजर होटल राजमहल के हॉल में लगे हुए बड़े से झूमर पर डाली, जिसके ठीक नीचे खड़े विशाल और दिव्या एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अपने गुस्से की आग में चल रही मल्लिका अब इन दोनों के साथ क्या करेगी? आखिर दिव्या की बहन का मल्लिका से क्या लेना देना है? दिव्या क्या अपनी बहन का सच जान पाएगी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए होटल राजमहल।